मजाक नहीं कर रहा हूँ। संगीत आपके नस नस में। आप जब गाती हैं तो और कुछ सुनाई नहीं देता। प्लीज इतनी तारीफ मत कीजिए। आपके बताए हुए कुछ सुर तो मैं बिल्कुल ही नहीं गा पाती। नहीं, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आपकी आवाज तो ऊपर वाले की देन है। यू शुड नेवर गिव अप म्यूजिक। ठीक है ठीक है, क्या लेंगे? वही रोज का। विठल, हेलो, दो कप चाय लाना। तीन कप चाय लाना। हाँ साहब। कब आए? अभी 5 मिनट हुए। तो बुलाया क्यों नहीं? इतना अच्छा रियाज चल रहा था, मैंने सोचा डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं। श्री, ये मल्हार कामत है, संगीत के बहुत बड़े विद्वान। और ये श्रीकांत, मेरे मिस्टर। कैसा गाती है मेरी बीवी? इनकी आवाज तो ऊपर वाले की देन है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ इनको कि रियाज करते रहना चाहिए इन्हें। हाँ हाँ, इनको रियाज कभी बंद नहीं करना चाहिए। इनकी आवाज इतनी अच्छी है कि 1-2 साल में ये प्रोफेशनल सिंगर बन सकती हैं। छी छी, करियर वरियर कुछ नहीं, इन्हें गाना सीखना है सिर्फ शौक है, इसलिए पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा कमाना तो मेरा काम है, वो मैं कमा रहा हूँ, उसके लिए मेरी बीवी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें गाना सीखना है सिर्फ इनकी खुशी के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, राइट? अरे बड़े वक्त पे चाय लाया। आदिति, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बहुत हो गया। अरे प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं सब समझती हूँ श्री। तुमने कहा था नेपाल से आने के बाद कम से कम 3 महीने तुम कहीं नहीं जाओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है भटकने? क्या मालूम? क्या मालूम मतलब? और क्या श्री, शादी के 2 साल में तुम 2 महीने नहीं रहे हो घर में श्री, हमेशा बाहर रहते हो तुम, कभी मॉरिशस, कभी सिंगापुर, कभी कोलंबो, कभी पता नहीं कहां। अरे तुम्हारे टूर्स बन ही नहीं होते श्री, और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ घर में हमेशा। अदिति, अदिति कुछ महीनों की बात है, 1 साल के अंदर मेरा अपना बिजनेस शुरू हो जाएगा, फिर भटकना भी बंद हो जाएगा। मेरी प्लानिंग अब भी फुल प्रूफ है। तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारे खुद के लिए है श्री, इसमें मैं कहाँ फिट होती हूँ? हमारे घर के लिए, हमारे संसार के लिए तुम्हारी प्लानिंग में एक जगह है कहाँ? I feel alone, श्री। अकेलापन खाने को आता है मुझे श्री। हमारा एक बच्चा होता ना तो सब कुछ सहन कर लेती मैं आसानी से, तुम्हारा ना रहना भी। अदिति, मुझे मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमारा बच्चा पैदा होगा तो हमारे अपने बंगले में होगा, इस किराए के घर में नहीं। ठीक है तो मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारा खर्चा कौन करेगा, कंपनी? ठीक है अदिति, मैं तुम्हारा खर्चा कर लूंगा, लेकिन अपने काम में मैं वहां भी तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा, वहां भी तुम अकेली हो जाओगी। मैं कोई नौकरी कर लूं प्लीज। व्हाट? देखो अदिति, आज तक हमारे घर आने में ना किसी औरत ने नौकरी की है ना किसी ने करवाई है। मुझे अपने घर में बीवी के पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना घर चला सकता हूं। देखो अदिति, मैं सब समझता हूं, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी, कुछ महीनों के लिए सब्र करो प्लीज, मेरे खातिर। हाँ प्लीज। तुम अपना संगीत का रियाज क्यों नहीं शुरू कर देती? तुम्हारी आवाज अच्छी है, शादी के बाद तो तुमने बंद ही कर दिया रियाज, फिर से शुरू करो। देखो तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा और मन भी बहल जाएगा। हाँ या ऑफ कोर्स। अदिति, अदिति देखो मेरी तरफ, देखो और हंसो एक बार प्लीज, दैट किलिंग स्माइल वंस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन प्लीज। भाई साहब, साई वाले। हाय अदिति। अदिति, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी कोई सजा नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहो तो जो सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे सूली पर चढ़ा दो, मुझे हाथी के पैर के नीचे डाल दो, मुझे शेर के मुंह में दे दो, मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दो,
लेकिन प्लीज अदिति मुझे माफ कर दो। अदिति, वेरी 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 हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं सच कहूं अदिति, मुझे लेट क्यों हो गया? ये देखो, ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है अपनी कंपनी का। दिस इज माई फर्स्ट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, डैम इट। आई कैन स्टार्ट ऑन माई ओन नाउ। डू यू हियर अदिति? कम ऑन अदिति, चीयर अप। चलो अदिति, चलो बैग पैक कर लो, हम दोनों खंडाला चलते हैं, दो दिन वहीं रहेंगे। हम दोनों अकेले कहीं गए नहीं है, मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सचमुच नहीं होगा। मैं हर महीने तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। तुम्हारी कसम अदिति, प्लीज। श्री, बैठो। अदिति, अनिकेत का जन्म 3 अप्रैल 1974 को हुआ। हाँ, मगर ये तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने मेरे सिंगापुर जाने की बात तुमसे 27 अप्रैल 1973 को की थी। उसी दिन मैंने तुम्हें संगीत सीखने की भी सलाह दी थी। 5 मई 1973 को मैं सिंगापुर चला गया और 19 जून 1973 को मैं वापस आ गया। 1.5 महीने बाद उसी दिन मेरी और मल्हार कामत की हमारे घर में मुलाकात हुई। उसके दूसरे ही दिन 20 जून को मैं नाइजीरिया चला गया और 22 जुलाई को वापस आ गया, 1 महीने बाद। 21 जुलाई हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं उस दिन पहुंच नहीं सका, इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए हम अगले ही दिन 23 जुलाई को खंडाला चले गए और 26 जुलाई को वापस आ गए। उसके दूसरे ही दिन तुम्हें उल्टियां शुरू हुई। 1 अगस्त 1973 को तुमने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और 3 अप्रैल 1974 को अनिकेत का जन्म हुआ। 8 महीनों में अनिकेत प्रीमैच्योर बेबी नहीं था, ये सारी तारीखें और दिन मैंने अपनी डायरी में नोट किए हैं, इसलिए हर घटना का सिलसिला मेरे जहन में साफ है। फिर अदिति अनिकेत के पैदाइश की तारीख इन तारीखों से मेल क्यों नहीं खाती? क्या फर्क बता सकती हो अदिति? क्यों है ये फर्क?
अनिकेत मल्हार कामत का बेटा है। मैंने रियाज ना करने का फैसला किया है। आप कल से यहां ना आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत कहो अदिति, कल हुई हर बात मेरे दिल पर नक्श हो गई है। वो अनुभव मेरे शरीर मेरी आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। मुझे तुमसे दूर मत करो अदिति, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। But I don't. कल जो हुआ वो एक लम्हा था जब शरीर ने मन पर कब्जा कर लिया था। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, दूंगी भी नहीं, क्योंकि कल जो मेरे सामने था वो शरीर आपका था लेकिन उस पर चेहरा श्री का था। आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाइए। Please.